सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। संघमित्रा मौर्य को नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से संघमित्रा मौर्य की रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर सहमति भी जता दी है। संघमित्रा मौर्य का बदायूं से बीजेपी ने टिकट काटा है। आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संघमित्रा मौर्य जिनको बीजेपी जानकारी मिल रही है और साथ ही बीजेपी की तरफ से रिपोर्ट भी मांगी गई है, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में प्रदेश कमेटी से संघमित्रा मौर्य की रिपोर्ट भी मांगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि संघमित्रा मौर्य जिन्हें से चुनाव लड़ाती है, तब से पहले हमने यादव के बयान को भी सुना जो दावा कर रहे थे कि संघमित्रा मौर्य उनकी तरफ है, अब उन्हीं के गढ़ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर संघमित्रा मौर्य को देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में मौजूद रहती है और बीजेपी के तमाम अभियानों में जुटी हुई भी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको, जहां उनका बदायूं से लोकसभा का टिकट बीजेपी ने काटा था, वहां से दुर्विजय साक को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतार सकती है। डिंपल यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि डिंपल यादव के खिलाफ संघमित्रा मौर्य को प्रत्याशी बनाए, और इसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश कमेटी ने सहमति जताई है कि संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी से चुनाव लड़ाया जा सकता है और इसकी सहमति भी भेजी है पार्टी के एक धड़े ने। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर कि संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जाए, और इससे भारतीय जनता पार्टी की सदी हुई रणनीति यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर ये मैसेज भी दे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी की सीट पर चौंकाने वाला ही निर्णय लेगी। यही वो वजह है कि संघमित्रा मौर्य के नाम की चर्चाएं तेज है, प्रदेश कमेटी से बाकायदा रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन संकेत, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पे डिंपल यादव को काफी बहुमत से भी जिताया गया जनता ने पहले भी, लेकिन अब यहाँ से अगर बीजेपी संघमित्रा मौर्य को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती है तो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर कितना असर इसका देख सकते हैं? मैनपुरी में जातीय समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो वहां पर साक के सैनी मौर्य जो वोट बैंक है वो बेहतर संख्या में है, बड़ी संख्या में है, और उसके बाद छत्री वोट बैंक वहां पे है ठाकुर बिरादरी का। तो ऐसे में वहां से जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। तो बीजेपी जो समीकरण तलाश रही है कि साक के सैनी वोटर और मौर्य वोटर और इसके अलावा जो समण वोटर है, इसके सहारे भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक के सहारे डिंपल यादव को चुनौती दे सकती है। बीजेपी इसी व्यू रचना के तहत संघमित्रा मौर्य को प्रत्याशी बना सकती है, और जिस तरीके से बीजेपी ने मैनपुरी से जो वहां से प्रेम सिंह साक को पिछले दिनों राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, उनको पैक्सपेट का चेयरमैन बनाया था, तो जाहिर सी बात है भाजपा मैनपुरी की सीट पर अंदर खाने से काम भी कर रही थी। बीजेपी पूरी व्यू रचना कर रही थी, वहां के लोगों को समायोजित कर रही थी। अपने आप में ये चौंकाने वाला फैसला होगा, देखना होगा ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसका कब तक होता है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।